आम का पेड़ जो है थाईलैंड का है, जो थाईलैंड का पेड़ है, हर समय आम मतलब छत के ऊपर लगाने वाले पेड़ है या खेत में? छत के ऊपर, ये सारे पेड़ छत के ऊपर टेरेस पे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आएगा तो भाई देखते हैं। चेरी का पौधा है ये, बांग्लादेश में ये फलता है, बांग्लादेश में फलता है ये फल। माल्टा, ऑरेंज का पौधा ये। ये कितने का होगा? इसको लगाने से, इसका दूध लगाने से दांत में दर्द कम हो जाएगा। अच्छा जी, अगर कस्टमर आता है आपसे लेने के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि आपने रेट जो बताए थोड़ा फिर डबल बताओगे? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। कम यहाँ पर गारंटी देते हैं और 10 साल से यहाँ पर यही हमारा खानदानी बिजनेस। 200 रुपया 20 रुपया अगर कम दे देगा कोई तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, दे देंगे। चलो बढ़िया बात है। All right, so hey guys, welcome back another vlog. दोस्तों आओ हमारी बस्ती, जाओगे ओनली मस्ती। आज की व्लॉगिंग है वो नर्सरी की होने वाली है, मुझे भी परचेज करने हैं, ठीक है तो चलते हैं एंड पूरी शॉप दिखाते हैं। नर्सरी के पास पहुंच चुका हूं, ये रहा वो नर्सरी। बाकी अंदर चलते हैं, इनके प्राइस देखते हैं क्या प्राइस है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे भी परचेस करने हैं और आपसे भी शेयर कर दूंगा। अभी हम तो ये भैया बता रहे हैं वियतनाम का कोकोनट ट्री है, ये 2 साल के अंदर कितना बड़ा हो जाएगा? इतना सा होगा और कोकोनट हो जाएगा इतना सा। अच्छा, इतना बड़ा पेड़ होता है कोकोनट स्टार्ट हो जाएंगे? तो ये कितने रुपए का होगा आपके पास? ये 700 में आता है एक पेड़, 700 रुपए का ही। ये अमरूद है, छोटा छोटा पेड़ में। हाँ, छोटा छोटा पेड़ में अमरूद होता है। ये कितने का है? ये 50 रुपए का है। 50 रुपए का, ये देखिए आपके पास जो है इमली खट्टा होता है, इमली का पौधा ये। हाँ, ये मीठा है। अच्छा अच्छा, जो इमली होगा वो मीठा होगा। ये कितने का? ये कितने का होगा? ये 100 रुपए का होगा। 100 रुपए का। हाँ, और ये वाला आम आइए दिखाते हैं। और एक काम, ये काजू का पेड़ है। अच्छा, ये काजू का पेड़ है। काजू का पेड़ छत के ऊपर होगा। ये कितने का होगा? ये पड़ेगा 150-200। और ये छत के ऊपर होगा, आता बोलते हैं हमारे बंगाली भाषा में। आता मतलब शरीफा, शरीफा है ना, शरीफा। अरे ये कितने पेड़ कितना हुआ शरीफा का? शरीफा का 150। 150 रुपये संतरा धरा हुआ है। ये संतरे का पेड़ है? हाँ, दिखाना, बाहर निकालना से। संतरे का। अच्छा, नींबू का संतरा ये? ना, संतरा है। संतरा नींबू का भी दिखाते हैं। ये कितने का? ये पड़ेगा 100। 100 रुपये का। एप्पल का भी है, एप्पल पकड़ा हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, ये देखिए एप्पल का, एप्पल का, ये एप्पल का पेड़ है। बेल पत्थर मतलब है, एप्पल कैसे बोलते हैं? एप्पल, एप्पल, एप्पल का, सेब का, सेब का, एप्पल, एप्पल। ये कितने का होगा सेब का पेड़? सेब का पेड़ 200 रुपए में, तो 200 आएगा। तो ये घर पे छत के ऊपर लगाने वाले पेड़ है या खेत में? छत के ऊपर, ये सारे पेड़ छत के ऊपर टेरेस पे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन सा पेड़ है? चेरी। ये चेरी का पेड़ है? चेरी, लाल लाल चेरी। अच्छा अच्छा, ये कितने का होगा चेरी का पेड़? चेरी भी 100 रुपए में आता है। और ये सफेद सफेद जाम, काला जाम, जाबुन, जाबुन। हाँ, वो वाइट जाम होगा, सफेद जाबुन होगा इसमें। ये कितने का होगा पेड़? ये 250, मतलब 250 रुपीज का।
तो भैया के प्राइस जो बता रहे हैं गाइस, आप सुन ही रहे हैं प्राइस क्या है इनके, एंड पूरी नर्सरी है ये। ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ जो है थाईलैंड का है, जो थाईलैंड का पेड़ है, हर समय आम मतलब 12 महीने ये आम का पेड़ कितने का होगा? ये 150 रुपया 150 रुपये का 12 महीने आम। गाइस रेट तो आप सुन ही रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से जो भी बंदा मेरी वीडियो देखेगा और तो वो देख सकता है प्राइस क्या है। ये थाई का संतरा है, छोटा होगा साइज में, छोटे पेड़ में ही, मतलब साइज में भी छोटा होगा, गमले में उग जाएगा, गमले में, खेत में, गमले में, में होगा, छत के ऊपर टेरिस। अच्छा, ये टेरिस वाले पौधे दिखा रहे हो अभी आप? ये गाइस सारे टेरिस वाले पौधे हैं जो कि फल देंगे टेरिस पे जाके, आप सुन रहे हैं। सेब जैसा बेर होगा, मतलब बड़े बड़े बेर होंगे। ये कितने का होगा बेर का पेड़? इसका दाम ज्यादा नहीं, 50 रुपये होगा। 50 रुपये का ये बेर का पेड़ देख सकते हैं कितना सस्ता है। बड़ा वाला लेंगे तो 1000 रुपये। अच्छा अच्छा, बड़ा वाला 1000 रुपये का, छोटा वाला 50 रुपये। ये छोटा वाला बेर का पेड़ 50-50 रुपये के। ये है चीकू का, कुछ गाइस मुझे भी पता है इस पेड़ों के बारे में, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये भी छत के ऊपर चीकू होगा। ये कितने का होगा? ये 300 रुपये का। ये देखिए कटहल का, ये साल भर में दो बार होगा छत के ऊपर। ये भी छत के ऊपर? ओह, और कितने बड़े बड़े होते हैं इसमें? इसमें इतने इतना साइज आएगा। अच्छा, कटहल का, कटहल का छत में होगा, इसलिए पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो फल भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल छोटा ही होगा। और ये जो है नींबू का, नींबू पकड़ा हुआ है। ये गाइस देखते हैं नींबू का पेड़ है। ये देखिए नींबू, ये कितने का होगा? ये 150 रुपया होगा ये नींबू। ये लीची का, ये लीचू का पेड़ है सारा पीछे, ये लीचू का पेड़ है सारा देख सकते हैं गाइस। ये लीचू का पेड़ कितने का होगा? लीचू का पेड़ कितने का होगा? लीचू का 200 रुपए का। ये पौधा है जो छूने से मुरझा जाता है, रजापति का छूने से मुरझा जाएगा। अच्छा अच्छा गाइस, देख सकते हैं आप लोग कितना कमाल का पौधा है, इसे छूंगा तो ये मुरझा जाएगा देखना। देख सकते कैसे मुरझा गया है, कमाल का पौधा है। सो गाइस देख सकते हैं ये, इसको छूते के साथ ही मुरझा जाएगा। ये मुरझा गया, ये मुरझा गया, मतलब ऐसा कहते हैं, मतलब ये कुछ ही एक जैसे कोई छोटे छोटे जो कीड़े जो होते हैं ना छोटे ही मुरझा जाएगा। लड़का है ये। अच्छा अच्छा, ये इसका जैसा एक और पेड़, वो लड़की है। अच्छा, अगर कोई लड़की अगर इसको छू दे ना तो मर जाएगा। अच्छा जी, ऐसा बात भैया की बात तो सुन ही रहे गाइस आप लोग, ये भी मर जाएगा लड़की, अगर लड़की छू लेगी पेड़ को तो ये पौधा ही मर जाएगा। बताओ किस टाइप का पौधा है ये? जो है कड़ी, ये कड़ी पत्ता है। हाँ, ये कितने का होगा? ये ज्यादा नहीं, 30 रुपया। और वो जो है सेटलेस थाई नींबू, थाई का नींबू है, इसमें बीज नहीं होता है। अच्छा, ये थाई के नींबू का पेड़ है, इसमें बीज नहीं होता है। ये भी छत के ऊपर उगाने का है? हाँ, ये फूल का फल पत्तो ये गाइस देख सकते हैं कैसे पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते कलर इसका। ये देखिए ये जो पपीते का पेड़ है छोटा छोटा, ये पपीते का पेड़ है गाइस, तीन महीने में पपीता हो जाएगा। 3 महीने में? ये कितने का पौधा होगा पपीते का? 1 का 10 रुपया ये 1 का 10 रुपये। और एक जो है केले का है, छत के ऊपर होगा, ये छत के ऊपर हो गया गाइस देख सकते हैं आप। ये केले छत के ऊपर उग जाएंगे केले? हाँ, इस पे केले छत के ऊपर। केले कितने बड़े होंगे? केले हो गए इतने साइज का होगा, 6 इंच का। देख सकते हैं गाइस कितने बड़े-बड़े केले उगेंगे छत के ऊपर। इलाज का है, इलाज का पौधा है। इलाज मतलब इलायची। इलायची का पौधा गाइस देखा, अभी कभी देखा नहीं होगा, देख लो आज। ये इलायची का पौधा है, अच्छा वाला दिखाते हैं। इलायची का पौधा है, और भी है फूल बन के उगती है इलायची। ये इलायची का पौधा गाइस देख सकते हैं आप लोग। ये कितने का होगा? ये 50 रुपये। 50 रुपये का। और एक पेड़ दिखाते हैं। और ये अमरूद का बड़ा वाला अमरूद क्या है? ये बड़े वाला अमरूद का जो है बड़ा वाला अमरूद में उसमें बड़ा बड़ा फल होगा, वो माटी का। अच्छा, पेड़ जमीन का? जमीन का है। हाँ, जमीन वाला भी बता देना है ना। और अंगूर का भी है, दिखा दो दिखा दो। ये वाला अंगूर का है, अंगूर आता है इसमें।
अंगूर का। अच्छा, ये भी छत का है? हाँ, छत के ऊपर हो जाएगा। ये कितने का पौधा होगा अंगूर का? 50 रुपए 80 रुपए। ये फूल जो है सेंट आएगा इसमें। अच्छा अच्छा, कामिनी, बहुत ज्यादा खुशबू, अच्छा खुशबू होगा। क्या नाम है फूल का? कामिनी। कामिनी, कामिनी फूल का। ये कितने का होगा? 50 रुपए का। और एक चीज दिखाते हैं, ये जो पौधा है ना, हम खाने के बाद जो अजवाइन खाते हैं, अजमोला, ऐसा ही होगा। अच्छा अच्छा, इसको लगाने से, इसका दूध लगाने से दांत में दर्द कम हो जाएगा। अच्छा जी, देखा ना। सो भाई, ये पेड़ देखते हैं, छोटे छोटे पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है ना, तो आप इस भैया ने तोड़ के बताया, ये दूध देख सकते हैं, ये दूध इसका लगाओगे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, का भी और दांत का दर्द भी ठीक करता है। ये वाला पौधा बता रहे हो ना, ये वाला पत्ते पत्ते जो, ये कितने का होगा? 50। ये ज्यादा दाम नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं लोग। अच्छा अच्छा, मालदा का फेमस, मालदा का फेमस है ये। तो ये कितने का होगा? 150 होता है मालदा का फेमस, मालदा जिस नाम से जाना जाता है, फजली आम से जाना। तो ये फजली आम का पेड़ है। हाँ, ये कितने का होगा? 150 रुपए का। एक का डेढ़ सौ रुपए। तो ये बना, आपको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? ये अनार, अनार का, अनार, 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 अनार का पेड़। ये देखिए, अनार, अनार का फूल फूल भी आ गया है, छत के ऊपर ही होगा अनार। ये भी छत के ऊपर होगा। हाँ, ये कितने का होगा अनार का पेड़? अनार का पेड़ 100 रुपया होगा। 100 रुपए। और ये जो है फूल पकड़ा हुआ है, ये जलपाई अमड़ा बोलते हैं हमको। अच्छा, जामड़े का पेड़। हाँ मैडम, खट्टा होता जो ना। हाँ, तो ये कितने का होगा? ये 100 रुपये में आता है। 100 रुपये का। और एक है जो, एक पौधा और है दिखाते हैं आपको, एक पौधा जो है गरम मसाला का, ये गरम मसाले का पौधा। हाँ, है। पता सुन कर देखिए, पता सुन कर देखिए, ऑरेंज का पौधा ये। हाँ, ये कितने का होगा? ये 150 का आएगा। छत के ऊपर लगा ऑरेंज उग जाएगा इसमें। हाँ। अच्छा जी, गारंटी के साथ हम गारंटी देते हैं। बांग्लादेश में जो फल फलता है ना, मालटा। हाँ। बोलते हैं ना। हाँ, हाँ। जो मालटा है, मालटा वो है, ये वाला पेड़ को मालटा बोलते हैं। छत के ऊपर आएगा ये वाला पेड़, मालटा। मालटा, मालटा किसको बोलते हैं? माल्टा जो मौसमी थे, माने मतलब आप संतरे, किन्नू सा बड़ा होता है वो। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कितने का होगा? ये 200 रुपये का होगा। बांग्लादेश में ये फलता है, बांग्लादेश में फलता है ये फल। हाँ। माल्टा। और चेरी फल का ये है, चेरी फल कहते हैं। कांटा लगा हुआ है, छत के ऊपर ही आएगा। तो भाई देखते हैं, चेरी का पौधा है ये। दोबारा बोल दो एक बार, मालदा जलालपुर नर्सरी। तो कोई अगर कस्टमर आता है आपसे लेने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने रेट जो बताया थोड़ा फिर डबल बताओगे? नहीं, वो बात नहीं है। कम यहाँ पर गारंटी देते हैं, और 10 साल से यहाँ पर यही हमारा खानदानी बिजनेस। ये भैया का कार्ड है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है? आप कॉन्टेक्ट थ्रू इनसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बंगाली में बोलेंगे, हिंदी में भी आपसे बात कर लेंगे अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है? तो आप यहाँ पे कॉल के थ्रू, या यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल से कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, तो यहाँ पे आके आप परचेस कर सकते हैं।